हाँ, ये मेरी फिल्म की जो कहानी है उसमें एक पॉइंट पे लड़के की ड्रीम फुलफिल होती है और उसने जो ड्रीम देखी थी वो ये ड्रीम थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनता है, बहुत बड़ा स्टार बनता है और वो ख्वाब उसका पूरा होता है और वो यहाँ स्टेज पर आता है, गाना गाता है लोगों के सामने। तो ये वो गाना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है फिल्म की स्टोरी लाइन बताने में, मगर मुझे एक हमेशा ये रहता है कि लोगों को कहानी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कहानी ही एक चीज़ है जो हम बेचते हैं लोगों को, ये बिजनेस है हमारा। तो फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसमें नकुल कपूर है, एक नया स्टार है, और आरती छाबड़ी एक नई हीरोइन है, किम शर्मा है, रति अग्निहोत्री हैं, दिलीप तायल हैं, रघुवीर यादव जी हैं, नदीम श्रवण जी का म्यूज़िक है, समीर साहब के गाने हैं, निर्मल जानी की फ़ोटोग्राफी है, मेरा डायरेक्शन और एडिटिंग मैंने किया इस फिल्म का। और ये फिल्म की कहानी मेरी और आपकी जैसी है, जैसे आप कुछ बनना चाहते होंगे लाइफ में, आपकी ड्रीम पूरी हुई कि नहीं हुई। मैं कुछ बनना चाहता था लाइफ में, मुझे नहीं मालूम मेरी ड्रीम फुलफ़िल हुई है कि नहीं, मगर मैं उस ड्रीम के कहीं कहीं करीब हूँ जो मैंने बचपन में देखा था कि मैं डायरेक्टर बनूँगा, और मैं डायरेक्टर तो बन गया हूँ, मगर मैं एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर बनूँगा वो ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो फेज़ वन कम्प्लीट है, फेज़ टू शुरू हो रहा है। तो वैसे ही इस फिल्म की कहानी है कि मेरा जो हीरो है वो एक ड्रीम देखता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार सिंगर बनूँगा, बहुत बड़ा स्टार बनूँगा, और वो कैसे बनता है, उसके साथ साथ कौन कौन आता है और कौन कौन उससे प्यार करने लग जाता है और कौन कौन क्या क्या कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये कुछ वैसी कहानी है। यस देयर इज, बट जब मैं मोहब्बतें कर रही थी तो उस दौरान मैं कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो मैं कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकती थी, तो मुझे उसके रिलीज़ की इंतज़ार मुझे उसके रिलीज़ का इंतज़ार करना पड़ा। तो जैसे ही वो रिलीज़ हुई फिर मैंने दूसरी फिल्म स्टार्ट की, और वो एक फिल्म बनने में एक साल तो लग ही जाता है, तो दैट्स व्हाई देयर हैज बीन सच अ बिग गैप। वेल, पहली बात तो मुझे इसका बैनर अच्छा लगा, वीनस इज़ अ गुड बैनर टू वर्क विथ। दूसरी बात, मुझे डायरेक्टर बहुत पसंद आए और मेरा उनके साथ रैपो बहुत अच्छा रहा है। तो और तीसरी बात, मेरा जो कैरेक्टर है इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है फ्रॉम द माई फर्स्ट कैरेक्टर, जो मैंने मोहब्बतें में कैरेक्टर निभाया है उससे बहुत ही अलग है। तो मैं चाहती थी कि जो मैं अपना दूसरा फिल्म करूँ तो वो थोड़ा अलग हो, कि ऑडियंस को ये नहीं लगे कि अरे तो यही करे जो पहले फिल्म में करी थी। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू डू इट। इस गाने में नकुल जो है एक स्टार बन चुके हैं और ये उनका पहला स्टेज शो है, तो और मैं ये शो को प्रमोट कर रही हूँ उनके लिए, और ये नकुल गांव से आए हुए हैं, तो ये पहली बार आप फिल्म में देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उनके कपड़े, उनके बात करने का तरीका, उनके गाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली चेंज, क्योंकि जो यू नो पब्लिसिटी और फेम से जो आदमी में कॉन्फिडेंस आता है वो नकुल में आ जाता है। सो दैट्स व्हाट यू सी इन दिस सॉन्ग, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने ये शो उनके लिए प्रमोट किया है, तो यू नो जब ऑडियंस बहुत उनको इन्जॉय कर रही है और पागल सी हो रही है उनके पीछे, तो मुझे खुशी होती है कि जिस आदमी के लिए मैं इतना कर रही हूँ उनको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है पब्लिक से। Which boys can do cartwheels? Yeah, bas. Cycle line up. One more cycle line up. Sports, sports, sports. So Ramu Nana. Full light, yeah, full light. Full light, yeah. Ekta full light. Too wide. Crowd hai. फिरोज इधर आ जरा, जिम का मॉनिटर है उधर आ। पट्टी है, बहुत क्लियर बोल रहा है, लाइट नीचे का। ये नीचे का तो थोड़ा बाहर ले लेगा। अभी उसे
बिना ट्रॉली चलाए खाली क्रेन ऊपर करो। सूरज क्या लेफ्ट किरण को लेफ्ट राइट लिबास किरण के पीछे जो लड़की है ऑन द टॉप लेफ्ट अरे नॉट दैट गर्ल यार हाँ यू लेफ्ट किरण एक काम कर ओके ठीक है चलो प्ले कार्ड लाओ जल्दी अभी नहीं खुशी फील अरे स्मोक स्मोक ठीक है अच्छा राइट वाले एक वाइट को इधर लेफ्ट साइड वाले तुम्हारे पीछे कैमरा है ऊपर कैमरा पे कौन है फिरोज हेलो तू देख तेरे कैमरा के सामने वो आता है ना फोटो हेलो जिसका बैग आ रहा है ना उसको फ्रंट करवा दे तेरे तरफ कैसा कैमरा वन टू थ्री फोर ओके शॉट इज ओके मेरे पास आना